हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि पॉलिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस किस प्लांट में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है। उसके बाद हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की, तो आज हम फर्टिलाइजेशन के का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उससे ही हमने क्या कहा था, फर्टिलाइजेशन कहा था। इससे पहले हमने क्या बात की थी, इससे पहले हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन का होना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, जो मेल गैमेट है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में आ रहा है और मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज तभी होंगे जब वो एक साथ एक जगह पे आएंगे। तो एक साथ एक जगह पे कैसे आ रहे हैं, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है या संलयित होता है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, फर्टिलाइजेशन कहा था या फिर निषेचन कहा था। जैसे कि आप फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पॉलिन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं, विद द फीमेल गैमेट जो ओवम में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेल गैमेट है जो कि पॉलिन ग्रेन में प्रेजेंट है वो किससे फ्यूज हो रहा है, वो फीमेल गैमेट से फ्यूज हो रहा है। फीमेल गैमेट कहाँ पे है, ओवम में प्रेजेंट है। तो ये कौन सा गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट है, यानी मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको फ्लावर का जो डायग्राम आपको दिखाया गया था वो आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो फ्लावर यानी फूल होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, उसमें मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। तो जब हमने मेल पार्ट की बात की थी तो हमने एंथर की बात की थी, एंथर प्लस फिलामेंट को मिला के हमने स्टेमेन कहा था, जिसे हमने क्या कहा था, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और एंथर के अंदर क्या थे, बहुत सारे पॉलिन, क्या थे, पॉलिन ग्रेन थे। पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, पॉलिन ग्रेन के अंदर वहां पे मेल गैमेट हमें देखने को मिले थे। सेम वैसे ही क्या होगा, फीमेल गैमेट, जब अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की थी तो हमारे पास तीन स्ट्रक्चर आए थे, सबसे पहला स्टिग्मा आया था, सेकंड स्टाइल आया था और लास्ट में ओवरी आया था जो उभार वाला पार्ट था। जैसे कि आप यहाँ पे भी इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है, फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट में जो फीमेल गैमेट होगा वो कहाँ होगा, वो ओव्यूल के अंदर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने देखा जो मेल और फीमेल गैमेट की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद हमने क्या जाना, जो फर्टिलाइजेशन है, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है, जो सनलाइन है, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट हमने देखा टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट। अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट ने फ्यूज किया, संलयित हुए, तो उन्होंने फिर एक सेल का निर्माण किया जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे आप जायगोट कहते हैं। यानी कि मेल और फीमेल दो सेल मिलके एक सेल का निर्माण कर रहे हैं जिसे हमने जायगोट कहा था। और कैसा जायगोट है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना होगा, 2n होगा। 2n का क्या मतलब है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 46 होंगे। और 46 क्या हुआ, 23 एक जगह से आए और 23 एक जगह से आए, यानी कि ये क्या था, ये मेल से आए और ये कहाँ से आए, ये फीमेल से आए। तो 23 क्रोमोसोम मेल से आए, 23 क्रोमोसोम फीमेल से आए और फिर क्या हुआ, फिर एक डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। डिप्लॉइड जायगोट का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। अगर हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो हैप्लॉइड का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ है, यानी आधे हैं। अगर हम 23 की बात करें तो 23 का जो नंबर होगा ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और अगर हम 46 की बात करें तो ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड यानी कि ये डबल है, हैप्लॉइड यानी सिंगल है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, आधा है, और डिप्लॉइड का क्या मतलब है कि ये डबल है, डबल क्रोमोसोम है। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 46 होता है। और 46 क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। तो क्या हुआ, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉइड जायगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, जिसमें क्रोमोसोम के कितने नंबर थे, 46 क्रोमोसोम थे। आधे आधे क्या हुए, आधे मेल से आए और आधे फीमेल से आए। इसके बाद आपने क्या देखा, इट इज अ
फिजिकोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स आफ्टर द पॉलिनेशन ऑफ द कार्पल। यानी कि क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रही है फर्टिलाइजेशन की पॉलिनेशन के बाद हो रही है। हमने काफी बार ये जो लाइन है वो रिपीट कर दी है कि पहले क्या होता है पॉलिनेशन होता है, फिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। द कम्प्लीट सीरीज ऑफ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस द जायगोट टू डेवलप इन टू सीड। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या हुआ जब जायगोट का फॉर्मेशन हुआ तो यही जो जायगोट है ये आगे चल के क्या बनाता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, यानी बीज का फॉर्मेशन करता है। यानी कि क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट ने फिर आगे चल के क्या बनाया, एक सीड का फॉर्मेशन बनाया। उसी सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, भ्रूण प्रेजेंट होता है, और उसी एम्ब्रियो से क्या होता है एक नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है, एक नया प्लांट क्या करता है ग्रो कराता है। तो ये तो क्या था, ये था फर्टिलाइजेशन का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम क्या देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो किस प्रकार हो रही है। तो अब हमारे पास क्या आती है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये डायग्राम देखना है और फिर ये देखना। अभी हम ये वाले डायग्राम को नहीं देखेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया कहाँ पे, स्टिग्मा में। यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी हो गई, पॉलन ग्रेन आ गया, तो पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब, ये क्या है पॉलन ट्यूब। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब निकाली और ये कहाँ गया, जो फीमेल पार्ट था, फीमेल पार्ट के अंदर की ओर एक क्या निकाली, ट्यूब उसने ग्रो करानी शुरू कर दी। यानी पॉलन ग्रेन ने एक ट्यूब यहाँ से ग्रो करानी शुरू कर दी। क्यों शुरू की, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या थे, मेल गैमेट प्रेजेंट थे। अब ये मेल गैमेट क्या होगा, इस ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, इस ट्यूब के थ्रू ये फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। फीमेल गैमेट कहाँ पे होगा, फीमेल गैमेट होगा जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ओव्यूल है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ओवरी है। ये है ओवरी और ये है ओव्यूल। अब फीमेल जो गैमेट है ये कहाँ, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे फ्यूज करने के लिए जो मेल गैमेट को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, तो पॉलन ग्रेन ने क्या किया, एक ट्यूब यहाँ से निकाली जिसे हमने क्या कहा, पॉलन ट्यूब कहा। पॉलन ट्यूब गई और कहाँ गई, सीधे ओव्यूल में गई। अब आपको ये जो ओव्यूल है यही आपको बड़ा करके दिखाया गया है, यानी आपको ओवरी नहीं दिखाई दे रही है, आपको सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बड़ा करके दिखाया गया। अब हम देखेंगे कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या क्या संरचनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे आपको जो रेड डॉटेड में कुछ दिख रहा है, ये अलग अलग प्रकार की सेल है, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे फीमेल गैमेट कौन सा है। तो ये जो है, ये वाली सेल, ये क्या है, फीमेल गैमेट है। यानी कि ये जो आपको बीच की जो बड़ी सी सेल आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपको रेड कलर का आपको डॉट दिखाई दे रहा है, वो क्या है, फीमेल गैमेट है। यहाँ पे क्या होती है, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। यानी कि ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, दोनों न्यूक्लियाई, और यहाँ पे भी क्या है, ये सेल्स हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा, फर्टिलाइजेशन होगा जो फीमेल गैमेट होगी। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, ये पॉलन ट्यूब आपको दिखाई गई है। ये क्या है, पॉलन ट्यूब आपको दिखाई गई है। पॉलन ट्यूब का आधा आपको हिस्सा, यानी इतना हिस्सा आपको दिखाई गया है। तो पॉलन ट्यूब ने क्या किया, यहाँ से पॉलन ट्यूब आई और यहाँ से अंदर को गई। अंदर जब पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहे हैं, दो मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको ब्लू डॉटेड में दिख रहा है वो क्या है, मेल गैमेट है। तो कितने मेल गैमेट आ रहे हैं, दो मेल गैमेट आ रहे हैं। तो हम आप क्या आप देखेंगे, एक जो मेल गैमेट है उसने इसके साथ फ्यूज कर लिया, यानी उसने फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर दिया, संलयित हो गया। इसे क्या कहते हैं, इसे हमने कहा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आपने क्या देखा कि यहाँ से पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा में, उसने एक पॉलन ट्यूब निकाली, पॉलन ट्यूब के जरिए उसने क्या किया, जो मेल गैमेट था उसने उसे ओव्यूल में डाला। ओव्यूल में जब डाला तो उसने क्या किया, जो ये फीमेल जो गैमेट था, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया और उसे हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा। तो अगर आप फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे तो आप देखेंगे, इन फ्लावर द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट आफ्टर द पॉलिनेशन ऑफ द कार्पल एंड ग्रो इनटू अ स्टाइल बाय क्रिएटिंग अ पाथवे फॉर द पॉलन ग्रेन टू मूव डाउन टू द ओवरी। यानी ये क्या बता रहा है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो एक पाथवे बनाता है, एक रास्ता बनाता है मेल गैमेट को ओव्यूल के अंदर डालने के लिए। तो वहां पे ये क्या कर रहा है, ये एक पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब को ग्रो कराएगा,
पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगी? ओव्यूल के अंदर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मेल गैमेट को कहाँ पे जाना है? मेल गैमेट को वहां जाना है जहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे द पॉलन ट्यूब ओपन इनटू अ ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। अब कहाँ क्या बता रहा है कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल के अंदर, वो कहाँ जाएगी? ओव्यूल के अंदर जाएगी। कहाँ से? माइक्रोपाइल से। तो यानी कि ये जो रास्ता है इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा माइक्रोपाइल। ये रास्ता क्या है? इसे हमने माइक्रोपाइल कहा। उसके बाद क्या हुआ? एंड ब्रस्ट इनटू द एम्ब्रियो। अब ब्रस्ट हो गया यानी कि फट गई वो जो पॉलन ट्यूब थी, वो फटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मेल गैमेट थे अब वो रिलीज हो गए। कहाँ रिलीज हुए? ओव्यूल के अंदर रिलीज हो गए। उसके बाद आप देखेंगे हेयर द मेल न्यूक्लियस यूनाइट विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एग इनसाइड द ओव्यूल फॉर्मिंग अ डिप्लॉइड जाइगोट विच लेटर स्वेल अप एंड डेवलप इनटू अ फ्रूट। यानी अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब थी वो ब्रस्ट हो गई यानी वो फट गई। एक मेल गैमेट आया। अभी हम सिर्फ एक मेल गैमेट की बात कर रहे हैं। आपको ये याद रखने की एक और मेल गैमेट यहाँ पे है, उसका क्या होता है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। अभी आपको सिर्फ एक मेल गैमेट के बारे में बताया जा रहा है। एक मेल गैमेट ने किसके साथ फ्यूज किया? फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया। फीमेल गैमेट कहाँ है? ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है। कौन सी वाली है जो आपको बीच में ये वाली दिखाई दे रही है? यानी माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल क्या है? ये वाला जो रास्ता है इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल की और जो बीच की जो कोशिका होती है, बीच की कोशिका में क्या होती है? फीमेल गैमेट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रोसेस को हमने कहा फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जब फ्यूजन हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। इसी जायगोट से क्या होगा, इसी जायगोट से होगा बीज का निर्माण। उसके बाद हम देखेंगे जो ओवरी होती है, ये जो ओवरी होती है, इस पार्ट से किसका फॉर्मेशन होता है? इस पार्ट से होता है फ्रूट यानी कि फल का फॉर्मेशन होता है जो कि हम खाते हैं। तो हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना, जायगोट से किसका फॉर्मेशन होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। अब हम क्या जानेंगे कि जो नेक्स्ट जो दूसरा जो मेल गैमेट है उसका क्या हुआ। तो आप क्या करेंगे, आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है यानी आप फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, प्लस ये जो डायग्राम है ये भी आप ड्रॉ करेंगे। क्योंकि जब तक आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हम देखेंगे कि जो दूसरा जो मेल गैमेट है उसका क्या हुआ। तो अब आप क्या देखेंगे, आप ये वाली इमेज देखेंगे। इस वाली इमेज में आप क्या देखेंगे, ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब ब्रस्ट हो गई, फट गई। यहाँ से क्या हुआ, मेल गैमेट आया, इसके साथ फ्यूज हो गया, जायगॉट का फॉर्मेशन हो गया। जायगॉट कैसा है? 2N है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं? 46 यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। उसके बाद जो दूसरा जो मेल गैमेट था उसका क्या हुआ, ये जो दूसरा मेल गैमेट था एक तो कहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और एक कहाँ चला गया, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई में चला गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक जो आपको ब्लू डॉट दिख रहा है मेल गैमेट, वो कहाँ है, यहाँ पे है, और एक आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे है। यानी कि जो सेकंड जो मेल गैमेट था वो किसके साथ फ्यूज कर गया, उसने जो पोलर न्यूक्लियाई थे, कितने, दो न्यूक्लियाई यहाँ पे थे, पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसने क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। और जब इसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया तो इसे हमने क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मेल और फीमेल जो गैमेट है, यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ, और ये क्या था, सेकंड बार, जब दूसरी बार किसके साथ फ्यूज हुआ मेल गैमेट, जो पोलर न्यूक्लियाई थे। जब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है तो इसे ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन दो बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही आपने क्या देखा, जब यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसका फ्यूजन हुआ तो इसने किसका फॉर्मेशन किया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। अब एंडोस्पर्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3N आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 3N यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 2N है। 2N क्यों, क्योंकि N क्या है, N में यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, N क्या है, एक तो मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, यानी 2N यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, N ये था, एक दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो एक N एक पोलर न्यूक्लियाई है, दूसरा जो N है वो दूसरा पोलर न्यूक्लियाई है, तीसरा जो N होगा वो कौन सा होगा, मेल गैमेट होगा, जो क्या है, जब फ्यूज हुआ तो उसने क्या किया, 3N का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया। यानी कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, अब यहाँ पे 3N आ गए हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमने देखा 2N, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमने देखा 3N।
अगर मेल और फीमेल गैमेट की अलग अलग बात की जाए, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मेल गैमेट है तो इसमें क्या था, एन था, और ये क्या था, ये फीमेल गैमेट था तो ये भी क्या था, एन था। जब दोनों मिले तो क्या हुआ, टू एन हो गया, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो डबल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, जब तीन मिले तो तीन से क्या हो गया, थ्री एन, क्या क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम थ्री एन यहाँ पे हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपने क्या देखा, आप देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट विद टू मेल गैमेट्स। यानी यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेट से किसके साथ फ्यूज कर रहा है, दो मेल गैमेट के साथ यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। इन दिस मैकेनिज्म वन स्पर्म सेल फ्यूज विद द एग प्रोड्यूसिंग जायगोट। यानी ये क्या कह रहा है, जो एक मेल गैमेट था उसने किसके साथ फ्यूज किया, मेल गैमेट के साथ फ्यूज किया और जायगोट का फॉर्मेशन किया। जायगोट से किसका निर्माण होगा, जायगोट से आपका बीज का निर्माण होगा, आपको ये याद रखना है, जायगोट से बीज का निर्माण होगा। लेकिन आपने क्या देखा, लेकिन आपने देखा एंड द अदर फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई टू मेक द एंडोस्पर्म। जो दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई था उसने क्या, जो दूसरा जो मेल गैमेट था उसने क्या किया, उसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या किया, फ्यूज किया और किसका फॉर्मेशन किया, एंडोस्पर्म का यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेशन किया। अब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन क्यों यहाँ पे हो रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, यानी कि जो एंडोस्पर्म उसका फंक्शन क्या, उसका फंक्शन ये है, जो यहाँ पे जो जायगोट बनेगा, ये जो जायगोट बन रहा है, जायगोट के अंदर क्या है, भ्रूण है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए होगा, उसे पोषण चाहिए होगा। तो ये जो पोषण है कौन इसे देगा, ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या करेगा, ये उस जायगोट को, उस एम्ब्रियो को पोषण देगा। यानी कि जायगोट के फॉर्म, जायगोट के डेवलपमेंट के लिए या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, एंडोस्पर्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंडोस्पर्म ही क्या कर रहा है, उसका पोषण कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन का क्या लाभ है, यानी अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो जायगोट हमें मिला है, जो जायगोट बना है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसके पोषण के लिए क्या होगा, न्यूट्रिशन कहाँ से आ पाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या आता है, जो ये जायगोट बना है, जो एम्ब्रियो इसके अंदर है, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसके पोषण के लिए एंडोस्पर्म क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट अंडरगोज डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यानी जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें क्या आता है, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनकी प्रोसेस देखी, प्लस आपने देखा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्या, तीन इमेजेस आपके पास है। इस इमेज में आपको बताया गया है कि पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से क्या हुआ, जो मेल या जो पॉलन ग्रेन था उसने एक ट्यूब का निर्माण किया जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट था वो ओव्यूल के अंदर गया। सबसे बाहरी जो पार्ट है ये ओवरी है। ओवरी से क्या होता है, ओवरी से फल का निर्माण होता है, जो हम खाते हैं वो ओवरी होता है, और जो उसके अंदर बीज होता है वो जायगोट होता है। जायगोट कैसे बना, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जायगोट बना। नेक्स्ट पिक्चर में आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। और थर्ड में आपने क्या देखा, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हो रही है, मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये आपने क्या देखा, आपने देखा फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो ये आप क्या करेंगे, आपने जब फर्टिलाइजेशन का की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये वाला डायग्राम नोट करेंगे, और जब आप डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखेंगे तो आप ये वाला डायग्राम नोट करेंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये तो पढ़ा हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है किस प्रकार हो रहा है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, यानी हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये किस में पढ़ा, ये पढ़ा हमने प्लांट्स में। सबसे पहले आपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, यानी अलैंगिक जनन जो होता है वो किस में पाया जा रहा है, वो प्लांट्स में भी पाया जा रहा है। प्लांट्स के अलग अलग भाग से क्या हो रहा है, अलग अलग भाग से नए जो प्लांट हैं वो ग्रो हो पा रहे हैं, और जो क्या है, सेम जो पेरेंट प्लांट है उसी की कॉपी है। तो उसके बाद हमने देखा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में किस प्रकार से हो पा रहा है, उसमें आपने पढ़ा कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है प्लांट का वो फ्लावर है, फ्लावर में किस प्रकार से मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, किस प्रकार से पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से कैसे बीज और फल का वहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है।
तो इसी के साथ जो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा जो टॉपिक है वो क्लोज होता है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, यानी मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि मनुष्यों में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, वो किस प्रकार होता है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखें, यानी कि हम प्रजनन के प्रकार देखें, तो हमारे पास दो आते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उनमें नहीं पाया जाता है। यानी कि ह्यूमन बींग्स में कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी एक एज होती है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसे नहीं है कि किसी भी एज में ही हो जाती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे जो न्यूबॉर्न होता है उसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होते होते फिर क्या होता है, एक ऐसी एज आती है कि उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उन्हीं चेंजेस के आधार पर क्या होता है, ये कह सकते हैं कि अब वो जो बच्चा है अब वो क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है, यानी कि वो किशोर अवस्था में आ गया है, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी आप देखेंगे कि 13-14 साल के बाद कोई भी जो बच्चा होता है, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज है, उनमें क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। कुछ फिजिकली चेंजेस होते हैं, यानी कुछ एक्सटर्नल चेंजेस होंगे, कुछ इंटरनल चेंजेस होंगे, बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। इन्हीं चेंजेस के आधार पर क्या होता है, ये पता लगाया जाता है कि जो जो गर्ल्स हैं या फिर जो बॉयज हैं या फिर जो किशोर हैं वो क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। और ये चेंजेस किस चीज की निशानी है कि अब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, यानी वो मैच्योर है और उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है। तो जो रिप्रोडक्शन है ह्यूमन बींग्स में, ये पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एज होती है, यानी किस एज में क्या होती है, किस एज में जो कैरेक्टर होते हैं वो चेंज होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि जो किशोर हैं या फिर जो प्यूबर्टी एज में जो है वो अब रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो गए हैं। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था की एज क्या होती है, 13-14 साल बाद आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस अवस्था को हमने क्या कहा, इस अवस्था को हमने कहा किशोर अवस्था या फिर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होते हैं, गर्ल्स में जो होते हैं कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, बॉयज में कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इन ये जो चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि ये मैच्योरिटी की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, और इन्हीं चेंजेस के द्वारा क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो इंसान में पाई जाती है, वो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। यानी कि अगर ये मैच्योरिटी नहीं आती है, अगर आप किशोर अवस्था से पहले की बात करें तो इससे पहले क्या होता है, इससे पहले जो ह्यूमंस हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनमें वो चेंजेस नहीं आए हैं, वो कैरेक्टर नहीं आए हैं, वो गुण नहीं आए हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। तो हम देखेंगे जो किशोर अवस्था यानी कि जो प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं वो किस किस प्रकार से चेंजेस आते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बॉयज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उसके बाद हम देखेंगे गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जो इंडिकेट करता है कि अब क्या है, जो बच्चा है या जो किशोर है वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंजेस डेवलप इन बॉयज, यानी कि किशोर अवस्था में जो बॉयज होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले लाइन आई है, बॉयज डेवलप हैवियर मस्कुलर बॉडी, वाइड शोल्डर एंड नैरो हिप्स। क्या बता रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे जो बॉयज होते हैं, जैसे जो लड़के किशोर होते हैं, आप देखेंगे वो सडनली उनकी जो ग्रोथ होती है बॉडी की वो ज्यादा होने लग जाती है, उनकी जो मस्कुलर बॉडी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप देखेंगे कि 12-13 साल से पहले वो बहुत छोटे लगते थे, बच्चे लगते थे, कोमल से लगते थे, और आपने देखा कि जैसे ही वो क्या हुआ, प्यूबर्टी एज में आने लगे तो उनकी जो बॉडी थी वो मस्कुलर हो गई है, वाइड शोल्डर हो गए हैं, यानी कि शोल्डर की ज्यादा ग्रोथ हो गई है, और क्या हुआ, नैरो हिप्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। सेकेंड जो हमारे पास चेंजेस आए हैं वह है इनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स लीड्स टू अ मच डीपर वॉइस। यानी यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनकी आवाज क्या होती है, कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। पर जैसे ही जो बॉयज होते हैं वो 12-13 साल की एज में आते हैं तो उनकी जो वॉइस है वो एकदम से क्या हो जाती है, एकदम से हैवी हो जाती है, आपको बहुत मोटी सी वॉइस उनकी लगती है। तो ये भी क्या है, ये चेंजेस है किशोर अवस्था के दौरान। ये क्या इंडिकेट करता है, मैच्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे में क्या है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मैच्योरेशन ऑफ टेस्टिस एंड स्टार्ट टू प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि अब क्या हो रहा है,
जो टेस्टिस हो रही है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्या है, जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे द ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द चेस्ट, यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो जो हेयर की जो ग्रोथ है वो भी वहाँ पे देखने को मिल रही है, और इनलार्जमेंट ऑफ एडम्स एप्पल यानी कि जो वॉइस बॉक्स है वो बड़ा हो रहा है, और आवाज कैसी हो रही है, आवाज आपको हैवी यानी कि मोटी सी आवाज आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो सारे जो चेंजेस है किस दौरान आते हैं, जो किशोर अवस्था के दौरान आते हैं, तो ये किसमें पढ़े हमने, ये हमने देखा कि जो बॉयस होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो गर्ल्स होती हैं गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो इनमें सबसे पहले आपने देखा कि राउंडेड हिप्स एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। सेकेंड आप क्या देखेंगे कि मेच्योर ओवरी एंड स्टार्ट टू रिलीज अ मेच्योर ओवम, यानी कि ओवरीज का डेवलपमेंट हो रहा है और ओवम यहाँ पे रिलीज होने शुरू हो गए हैं। अब जब ओवम यहाँ पे रिलीज होने शुरू हो गए हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी वो स्टार्ट हो गई है, और लास्ट में आपने क्या देखा, जो मेमोरी ग्लैंड थी उनका इनलार्जमेंट यहाँ पे हो गया है। तो ये आपने क्या देखा कि किशोर अवस्था के दौरान जो बॉयज होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए और जो गर्ल्स होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए। इन्हीं चेंजेस के बाद अब हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल में किस प्रकार से डिफरेंट है और फीमेल में किस प्रकार से डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, जो सारे जो पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए इसके बाद हमारे पास ये आता है, अब हम देखेंगे कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो किस प्रकार से हैं, यानी उनके कौन कौन से भाग हैं। क्योंकि जब हमने प्लांट्स के बारे में बात की थी, जब हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा था प्लांट का जो कि फूल था, फूल के हमने अलग अलग पार्ट देखे थे। तो जब तक आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पता नहीं चलेगा तो जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले हमारे पास आया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो आप जानेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किस किस से बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्क्रॉटम, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस और स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। ये क्या है, ये आपको अलग अलग ऑर्गन बताए गए हैं किसके, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपको अलग अलग ऑर्गन बताए गए हैं। अब आप देखेंगे जो अलग अलग जो ऑर्गन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होती है, तो आप देखेंगे दे आर ओवल शेप्ड, सबसे पहले आपको क्या बताई जा रही है, शेप बताई जा रही है कि जो टेस्टिस होती है वो ओवल होती है शेप में। अब देखेंगे लाई इन एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है, देयर आर टू टेस्टिस इन मेल, यानी कि नंबर ऑफ टेस्टिस आपको बताई जा रही है, टू प्रेजेंट होती है, दो प्रेजेंट होती है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या बताया है, मेक मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, यानी कि क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको बताया कि जो टेस्टिस होती है वो ओवल शेप की होती है, आपको शेप बताई जा रही है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ टेस्टिस बताई कि कितने होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने हमारे पास सबसे पहला पार्ट टेस्टिस आया है, टेस्टिस के आपको कैरेक्टर बताए जा रहे हैं कि ओवल शेप की होती है, दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है हर एक मेल में। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है कि इसका फंक्शन क्या है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, तो आप देखेंगे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है किससे, टेस्टिस से, प्लस किसका जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो रहा है टेस्टिस से। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्या आया, सबसे पहला टेस्टिस आया। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप इमेज देखेंगे, इमेज में आपको किसका डायग्राम दिखाया, ये वाली इमेज में आपको टेस्टिस का यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, कैसा है, ओवल है शेप में, यहाँ पे आपको सिर्फ एक टेस्टिस दिखाई दे रही है, पर कितनी होती है, दो टेस्टिस होती है। अब दो है तो इनका फंक्शन क्या है, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, जो सेक्स हार्मोन होता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये किसके बारे में पढ़ा आपने, टेस्टिस के बारे में। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है वो आता है स्क्रॉटम।
स्क्रॉटम क्या है? स्क्रॉटम एक ऐसा है जैसे कि थैला, आप लगा सकते हैं, जैसे थैला होता है वैसे ही क्या होता है, स्क्रॉटम होता है। तो स्क्रॉटम के बारे में आप पढ़ेंगे, टेस्टिस लाई इन स्मॉल मस्कुलर पाउच आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन टेम्परेचर इन साइड द बॉडी। यानी कि स्क्रॉटम की एक थैलेनुमा संरचना है। थैलेनुमा संरचना में क्या हो रहे हैं, स्क्रॉटम में क्या हो रहे हैं, स्क्रॉटम एक बैग है आप ऐसा लगा सकते हैं, उस बैग में क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है। अब टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए क्या हो रही है, यहाँ पे लो टेम्परेचर चाहिए। टेस्टिस का क्या फंक्शन है, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए क्या है, टेम्परेचर यानी तापमान कम चाहिए। कितना कम चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर जितना तापमान होता है उससे कम तापमान चाहिए। इसीलिए क्या होता है, जो स्क्रॉटम यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्क्रॉटम क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। ये क्या है, ये जो आपको थैलेनुमा संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, यही स्क्रॉटम है, यही जो बैग है ये क्या है, स्क्रॉटम है। इसके अंदर आपको दो टेस्टिस दिखाई दे रही है, 1 और 2, जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ओवल शेप की होती है, स्पर्म प्रोडक्शन करती है और टेस्टोस्टेरोन का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। तो ये क्या हमने क्या पढ़े अभी तक, दो ऑर्गन पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। आपने क्या करना है, दोनों को नोट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप और डीप में पढ़ेंगे कि किस ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है। तो आपने क्या करना है, इन डेफिनेशन को भी नोट करना है, प्लस यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी आपको नोट करना है, क्योंकि जब तक आप डायग्राम नोट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि आप किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए, तो क्लास आज हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है। साथ ही हमने जाना कि जो ह्यूमंस होते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।